खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से है, जहां बस्तर आईजी सुंदर पी के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। इन इलाकों से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। ये कई सालों से नक्सली संगठन में रहकर कई बड़ी वारदात में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि 8-8 लाख रुपए के इनामी दो समेत 3 नक्सलियों ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बिना हथियार के सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास नीति का नक्सली फायदा उठा रहे हैं। आज सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने नक्सली की खोखली विचारधारा को समझ लिया है। उन नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे दी गई है। 2024 में अब तक बीजापुर जिले में 145 नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत डीआरजी, बस्तर फाइटर, कोबरा एवं सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों से, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 माओवादियों ने आज पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। ये 3 माओवादी, जिनमें से एक रमेश परसा कंपनी नंबर दो का सदस्य रहा है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख का इनाम घोषित है। दूसरी मनकी माड़वी, जो सीआरसी कंपनी में सदस्य के रूप में कार्य की है, इसके ऊपर भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख का इनाम घोषित है। तीसरा लक्ष्मण पोटाम, जो पुसनार मिलिशिया डिप्टी कमांडर के पद पर पदस्थ था, उसने भी आज आत्मसमर्पण किया है। ये सभी भूतपूर्व माओवादियों की खोखली विचारधारा, उनकी प्रताड़ना, विकास विरोधी भावना से तंग आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया है।